सर, अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। एक पूरी यूनिट बॉमर के पीछे लगा दी गई है, ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। अब यहाँ किसी का खून वून देख के बेहोश मत हो जाना। एक मिनट, आपने समझा क्या गुड्डन को? मजाक तो बिल्कुल मत उड़ाइए हमारा। आपको पता भी हमने बहू की जान कैसे बचाई है? छोड़िए, क्या ही आपको समझा, पर फट्टू मत समझिए गुड्डन को। आज की इस घटना को देखते हुए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, इस ध्वजारोहण के असली हकदार वे दो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लाखों लोगों की जान बचाई और साहस और पराक्रम का ऐसा नमूना पेश किया है जिसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आइए अपने हीरोज का स्वागत हम तालियों के साथ करें। अच्छे से मुस्कुरा दीजिए ना थोड़ा, देख रहे हैं आप सब लोगों को कितना मान हो रहा है हम पे, मतलब इतना तो बनता है। अब भले हमारी वजह से, पर सब लोग आपको हीरो तो बुला ही रहे हैं ना, है ना? तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। अब हम मिस्टर अक्षत जिंदल और उनकी धर्म पत्नी मिसेस गुड्डन जिंदल को यहाँ निमंत्रित करना चाहते हैं, यहाँ आए, ध्वजारोहण करें और इस कार्यक्रम का मान बढ़ाएं। ऐसी भी क्या जल्दी है मिनिस्टर साहब? आज ही का दिन था जब मेरा बेटा एक बम ब्लास्ट में मारा गया। जन्मदिन था उसका, वो अपना केक भी नहीं काट पाया और आज उसके पापा उसके बर्थडे का गिफ्ट देंगे, वो भी उसके मौत का बदला। बस एक बटन दबाऊंगा और सब बूम। मैंने और मेरी बीबी ने उसका बर्थडे प्लान किया था एक एक छोटे से गार्डन में, वो केक कट करने वाला ही था कि तभी तभी ब्लास्ट हो गया। क्या कर रही हो तुम? हम पर भरोसा कीजिए गुड्डन, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं सबकी जान का सवाल है, बेवकूफी मत करो। हम जानते हैं कि इसे कैसे रोकना हमसे हो पाएगा। तुम आगे मत आना, मैं बटन दबा दूंगा।
आज ही का दिन था ना, तो आप अपने बेटे के जन्मदिन का केक नहीं काटेंगे? देखो मेरे नजदीक मत आना, नहीं तो मैं बटन दबा दूंगा। आप जानते हैं आपके बेटे को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलेगी? हम बताते हैं, आपके बेटे को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब उसे पता चलेगा कि आप उसके जन्मदिन पर केक काट रहे हैं। मानिए हमारी बात, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, आपने अपना बेटा खोया है ना, हमने हमारी माँ खोई। आपको पता है हमारे पापा क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है ना, तो वह ऊपर जाकर एक तारा बन जाता है और फिर वो वहां से हमें देखता रहता है। आपका बेटा भी वहां से आपको देख रहा होगा, और जब वो देखेगा कि उसके पापा उसके जन्मदिन पर उसके बदले के नाम पर यहाँ हजारों लाखों माँ बाप से उनके बच्चे को छीन लेना चाहते हैं, तो वो आपसे नफरत करेगा। हमारी बात मानिए, ये केक काटिए और बचा लीजिए खुद को उसकी नफरत से। जरा सोचिए, आज 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, अगर आप आज के दिन ये सब करेंगे तो कितनी दहशत फैल जाएगी। आपके बेटे जैसे मासूम बच्चे अपने घर से बाहर निकलने पर भी डरेंगे। ये लोग देख रहे हैं आप, ये बच्चे, ये भी आप ही के बेटे की तरह किसी के मुस्कुराने की वजह है। क्या आप उनसे उनके मुस्कुराने की वजह, उनकी खुशियां छीन लेना चाहते हैं? देखो मैं कह रहा हूं दूर रहो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको ये बटन दबा देना चाहिए, तो हम आपको रोकेंगे नहीं, पर एक बार अपने बेटे की मुस्कान इन बच्चों में देखने की कोशिश तो कीजिए। देखेगा कि उसके पापा उसके जन्मदिन पर उसके बदले के नाम पर यहाँ हजारों लाखों माँ बाप से उनके बच्चे को छीन लेना चाहते हैं, तो वो आपसे नफरत करेगा। पापा
मान लिया आपकी बात, मरने की बेवकूफी नहीं की इस बार। जानते थे कि वो अपने बेटे के गम में परेशान है, जरूर मान जाएंगे। कहते हैं अंत भला तो सब भला, इसलिए हम आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। इंदौर की जनता की तरफ से आपका एक बार फिर से अभिनंदन। आइए अब हम आज के सबसे महत्वपूर्ण और अधूरे कार्य को पूरा करें और ध्वज वंदन करें। रावत साहब को हिसाब किताब भी करिए थे, कभी भी कहीं भी आकर डराते रहते हैं। तो देख लीजिए रावत साहब, आज ये पार्क पार्क की तरह दिख रहा है ना, तो सिर्फ गुड्डन की वजह से। अगर आज गुड्डन ना होती ना, तो आज आप भी, तो अब तो कोई शक नहीं होगा ना आपको हमारी काबिलियत पर। वैसे तो ये काम आपका था रावत जी, पर कोई बात नहीं, हमने कर दिया। पर इस बात से ना एक बात क्लियर हो गई कि आपसे ये केस संभाला ही नहीं गया। तो आप एक काम कीजिए ना, आप वो जिंदल साहब वाला केस भी रहने ही दीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। और अब आपने ये तो देख ही लिया कि हमने आज इतनी बहादुरी दिखाई है, तब हम अपने परिवार को बचाने के लिए क्या ही कुछ करेंगे, आप सोच सकते हैं ना। आज आपने जो कार्य किया है ना गुड्डन जी, वो वाकई काबिले तारीफ। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। पर हम एक बात साफ कर दें गुड्डन जी, हमें आपकी काबिलियत पर हमेशा से पूर्ण भरोसा था कि आप अक्षय जिंदल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में सफल रहेंगे। पर आप इतनी पराक्रमी और समझदार होने के बावजूद भी ये कार्य करने में असफल रहीं, जिस बात का हमें बेहद अफसोस है गुड्डन जी।
हमने आपके बचाव के लिए 24 घंटे का समय दिया था जो कि अब समाप्त हो चुका है, और अब हमें आपके परिवार के पास जाने में कोई नहीं रोक सकता। स्वयं आप भी नहीं। अरे तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। और ये हैं गुड्डन, गुड्डन अक्षत जिंदल। नमस्ते गुड्डन अक्षत जिंदल जी। नमस्ते। ये है मिस्टर विक्रम रावत, काबिल सीबीआई ऑफिसर और अंतरा के भाई। अंतरा जिंदल उनकी पहली पत्नी के हत्या के आरोप में। आप जैसा उस व्यक्ति को समझती हैं? वैसा वो बिल्कुल नहीं, बहुत ही खतरनाक। तुम यहाँ कैसे? सूत्रों के अनुसार खबर मिली थी कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां होने वाली, वही ढूंढते ढूंढते चले आए, पर गुड्डन जी ने तो स्वयं सब कुछ संभाल ली। आपने बहुत लोगों की जान बचाई है, हम भारत सरकार की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। हम हमेशा से जानना चाहते थे कि हमारी बहन की जगह किसने ली, आज जानकर खुशी हुई। चलिए आगे आ दीजिए हमें। तुम हमारे साथ घर चल रहे हो, हम लोग भी बस अभी निकल ही रहे। माफ कीजिएगा, हम इंदौर बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से आए, और जैसे ही वो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा हम घर अवश्य आएंगे। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। हमें भी। जल्दी मुलाकात होगी गुड्डन जी। तुम्हारा लक्ष्य होगा कि अक्षत जिंदल के खिलाफ अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा करना। तुम्हें क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कहीं भी तो नहीं, वो पहली बार आपके साले साहब से मिले ना, तो सर ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो अंतरा जी के भाई हैं, और वो अपने ही जीजा जी पर शक क्यों करेंगे? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा।